नमस्कार दोस्तों। दोस्तों काम की बातों के अंतर्गत जीवन में उपयोगी बातों के अंतर्गत आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या संकेत हैं कि हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि अमुक व्यक्ति या सामने वाला व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा जीवन किस काम का जिसमें रोमांच ना हो, नीरसता और एक मशीन की भांति काम करते रहें, अपने लिए कुछ ना करें, अपने कोई सपने ना हो, अपनी जिंदगी ना जिए। ऐसे जीवन से बुरा जीवन क्या हो सकता है? दोस्तों मैं ऐसे कई शख्सों को जिंदगी में जानता हूँ जो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। वो अच्छे इंसान हैं, उनके पास अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, अपने काम की जानकारी है और शाम को घर चले आते हैं। वीकेंड में सारे दिन घर बैठे रहते हैं। ना उनकी कोई पत्नी है, ना उनका कोई दोस्त है, ना उनकी कोई संतान है। लेकिन ये समस्या नहीं है, मुझे लगता है कि वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि मेरे अनुसार अगर जीवन में कोई रोमांच नहीं है, अगर आपका जीवन उबाऊ है, अगर आप हर बात में लोगों में कमी निकालते हैं, शिकायत करते हैं, तो आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने जीवन में रोमांच भरिए। एक अच्छी नौकरी है, एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे गुणी व्यक्ति है, तो रोमांच होना भी जरूरी है। एक ऐसा व्यक्ति जो हर वक्त समस्याओं को ढूंढता है, उनका समाधान नहीं ढूंढता, वो सिर्फ उन लोगों में से है जो बिल चुकाने के लिए पैदा हुए हैं, काम करने के लिए पैदा हुए हैं। उनमें अपना जीवन जीने की कोई लालसा नहीं है, उनको अपने आप में कोई रोमांच नहीं है, और ये इस बात का संकेत है कि वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जरा सोचिए, रुक जाइए और अपने जीवन में रोमांच भरिए। अगर आपका कोई चाहने वाला, आपका कोई मिलने वाला, आपके कोई रिश्तेदार ये कर रहा है तो एक बार उसको जरूर समझाइए। ऐसा जीवन किस काम का जिसमें रोमांच ना हो, नीरसता और एक मशीन की भांति काम करते रहें, अपने लिए कुछ ना करें, अपने कोई सपने ना हो, अपनी जिंदगी ना जिए। ऐसे जीवन से बुरा जीवन क्या हो सकता है? तो दोस्तों ये उस व्यक्ति की निशानी है जो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने जीवन में एंजॉय कीजिए, रोमांच भरिए और अपने जीवन को अच्छे से जिए। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।